तारीफ करनी होगी कि मुकाबले को गिव अप नहीं किया है, आखिरी सांस तक लड़ने की कोशिश। फिलहाल ओवर की समाप्ति 161 चार के नुकसान पर। वेंकटेश निश्चित रूप से काफी खुश होंगे अपनी टीम की बल्लेबाजी से, हालांकि 210 रनों का लक्ष्य निर्धारित किया था और एक समय दबाव दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि 171 रन अगर तेलुगु वॉरियर्स की टीम बना लेती है तो फिलहाल मंत्रणा के बाद गेंदबाजी के मोर्चे पर और अटैक करने की अब हर बॉल को कोशिश की जाएगी, हर गेंद को डिस्पैच करने का प्रयास करेंगे दर्शक दीर्घाओं में, तभी जाकर मुकाबला जीत पाएंगे। लेकिन काफी आश्वस्त, काफी रिलैक्स्ड नजर आते हुए इसी बीच एक और बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स, मौका हो सकता है वापस जाने का, अपील की है अंपायर से और तीसरे अंपायर को कुछ काम करना पड़ेगा इस मौके पर। अनीस आलम जिनका संबंध हैदराबाद से, तीसरे अंपायर की भूमिका में अब उनकी मदद मांगी है फील्ड अंपायर अक्षय मराठे ने, ड्रैग करते हुए अंतिम समय में पॉपिंग क्रीज में पहुंच चुके थे, इस पिक्चर फ्रेम से तो ऐसा लगा। मनोज, मैंने जब राजेंद्र थे कमेंट्री बॉक्स में तो उनसे भी पूछा था कि क्या इनके कप्तान को विकेट कीपिंग छोड़ देनी चाहिए, क्या उनके विकेट कीपर रहने से मुकाबला हाथ से निकला है टीम कर्नाटका के। राशिद, कहीं ना कहीं ये सभी खिलाड़ी पेशेवर क्रिकेट से दूर हैं, फन क्रिकेट के उद्देश्य से खेल के मैदान में आए, अधिक से अधिक दर्शक इन सबको देखने के लिए आए, वो मुख्य उद्देश्य है CCL का। लेकिन इन सब के बावजूद लगातार खेल के मैदान में आने से कहीं ना कहीं इन सभी खिलाड़ियों ने खेल के प्रति एक सम्मान प्रदर्शित किया है, मेहनत भी की है अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए। यस, इट्स ट्रू, कम्प्लीटली अग्रीड। डाउन द लेग साइड दिस टाइम टेकिंग सिंगल, रोटेट द स्ट्राइक। काफी कुछ होना है आज इस मैच के परिणाम को लेकर के अगर बात की जाए, क्योंकि पूल बी जो कि पूल ऑफ डेथ था, केरला स्ट्राइकर्स, तेलुगु वॉरियर्स, कर्नाटका बुलडोजर्स, चेन्नई राइनोस, चारों ही टीमें बेहद सशक्त टीमें थी। हालांकि तेलुगु वॉरियर्स ने 2 विजय हासिल की थी, 4 अंकों के साथ बेहद सुरक्षित स्थिति में थे, लेकिन आज जैसे ही केरला स्ट्राइकर्स ने जीत दर्ज की उसके बाद तेलुगु वॉरियर्स की स्थिति भी कहीं ना कहीं प्रभावित हुई। 21 बॉल पर 46 की जरूरत, ओवर स्टेपिंग की थी, स्टेप आउट कर बड़े हिट की तलाश में। राशिद, चूंकि डगआउट क्षेत्र में दिलीप विंगसर का मौजूद है और ब्रेक टाइम में कहीं ना कहीं रणनीति का यह भी हिस्सा रहा होगा कि क्वालिफाई करने के लिए क्या लक्ष्य रहेगा, उसी को ध्यान में रखकर के बल्लेबाजी की जाए। सीधे बैट से खेला हुआ स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में, केवल 1 रन। अपने दर्शकों को बता दें कि अगर आज कर्नाटका की टीम इस मैच को जीत जाएगी तो कर्नाटका बुलडोजर्स और तेलुगु वॉरियर्स सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाएंगे, और अगर तेलुगु वॉरियर्स इस मैच को जीतती है तो बहुत बड़ा झटका लगेगा कर्नाटका बुलडोजर्स को, क्योंकि उस स्थिति में केरला स्ट्राइकर्स की टीम को मौका मिलेगा, टिकट मिलेगी सेमीफाइनल मैच की। ठीक बात है। अश्विन बैटिंग करते हुए 40 पर और मात्र 17 गेंदों का सामना किया है इस बल्लेबाज ने, तस्वीर पलट कर रख दी है पूरे मुकाबले की। राशिद, अगर केरला स्ट्राइकर्स के खिलाड़ी मैच देख रहे होंगे वो यही प्रार्थना कर रहे होंगे कि तेलुगु वॉरियर्स इस मैच को जीत जाए ताकि उन्हें मौका मिले सेमीफाइनल खेलने का। सिंगल मिलेगा यहां पर और इसी के साथ ओवर की समाप्ति होती हुई 17 के बाद 166 4 के नुकसान पर। करेक्शन करना चाहेंगे, हेनरी ओलंगा बिलोंग्स टू जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलियन टीम में उस वक्त जेसन गिलेस्पी, माइकल कैस्परविच, शेन वॉन और स्टीव वॉ जैसे धुरंधरों की धुनाई हुई थी और टॉम मूडी ने विकेट हासिल किया था तेंदुलकर का। हालांकि भारत मुकाबला हार गया था लेकिन क्वालिफाई कर गया था फाइनल के लिए।
कुछ हद तक वही सिचुएशन यहां पर भी। वही दूसरी स्थिति है कि अगर तेलुगु वॉरियर्स इस मैच को जीतती है तो केरला स्ट्राइकर्स को मौका मिलेगा सेमीफाइनल में पहुंचने का। काफी देर तक बॉल हवा में रही थी, फील्डर भी मौजूद थे, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। CCL सुपर फैन बनने के लिए आपको कॉल करना पड़ेगा 5333 59 पर और आप जीत सकते हैं ₹1,00,000। देखिए किस तरीके से सब कुछ घटित हुआ। पिछली बॉल पर काफी समय था बॉल के नीचे आने का, लेकिन इन्होंने एक हाथ से ही कैच लपकने की कोशिश की। फिल्मों में यह जरूर मुमकिन हो जाता है लेकिन क्रिकेट के मैदान पर अक्सर नहीं। शॉर्ट गेंद, जबरदस्त मैक्सिमम हासिल करते हुए एंड दे हैव क्वालिफाइड फॉर दी सेमीफाइनल। यहां पर बोर्डिंग पास मिल चुका है तेलुगु वॉरियर्स की टीम को सेमीफाइनल मैच का। हालांकि दो मैच जीतने से उनके नाम टिकट जरूर इश्यू हुआ था, लेकिन आज इस मैच में क्वालिफाई करना बेहद जरूरी था और ये वही क्षण है जैसे ही बोर्डिंग पास मिला, यानी कि फ्लाइट कंफर्म हो गई सेमीफाइनल मैच की। बिल्कुल ठीक फरमाते हुए, और सुबह आपकी फ्लाइट भी कंफर्म है दिल्ली के लिए, ध्यान रखें। अब 16 गेंदों पर जीत के लिए चाहिए हैं 34 रन और तेलुगु वॉरियर्स हैव क्वालिफाइड फॉर द सेमीफाइनल ऑफ द CCL 2016। इट्स अ बिग न्यूज फॉर द होम टीम। तेलुगु वॉरियर्स के साथ दो नाम जुड़े हुए हैं, दिलीप वेंगसरकर और वेंकटेश, इन दोनों ने राहत की सांस ली होगी, लेकिन राहत की सांस यहां पर गेंदबाज को नहीं लेने देंगे। जश्न मनाते हुए इस न्यूज का और एक और नंबर छक्का, हुलिया ही बदल कर रख दिया है इस मुकाबले का। और अब कह सकते हैं कि कर्नाटका के ऊपर अब हार का एक दबाव यहां से जरूर दिखता हुआ। मनोज, जीती हुई बाजी अगर हार गए तो सेमीफाइनल से बाहर हो जाएंगे। यहां पर हर हालत में इस मैच को बचाना होगा कर्नाटका बुलडोजर्स को, यही इस खेल की खासियत है। कब खेल के मैदान में चमत्कार हो जाए, वेंकटेश जैसे सुपरस्टार अपनी सीट से खड़े होकर के जोरदार तालियां बजाए, यही इसकी खासियत है। बिल्कुल, चमत्कार को करते हैं नमस्कार और वेंकटेश इस चमत्कार को अपने अंदाज में करते हुए नमस्कार। 2-6-6 अब तक 14 रन आ चुके हैं 3 गेंदों पर और कर्नाटका को यह मुकाबला बचाने होगा। सांस रोकने वाला ये मैच, दिलों की धड़कन भी रोकने वाला मैच। बिल्कुल, कर्नाटका के समर्थक इस समय काफी तनाव महसूस कर रहे होंगे, बहुत ही उत्तेजनापूर्ण इस समय स्थिति। बहुत ही जोरदार शॉट 4 रनों के लिए, कवर बाउंड्री को क्लियर करते हुए इनसाइड आउट, लाजवाब बल्लेबाजी, लाजवाब। और चेहरे देखने लायक हैं इस वक्त कर्नाटका डगआउट के और कप्तान के चेहरे पर निराशा के भाव। यही इस खेल की खासियत है, कब पासा पलट जाए आप सोच भी नहीं सकते। इसीलिए लगातार कमेंट्री के दौरान आप एक लाइन सुनते हैं कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, जब तक आखिरी बॉल ना फेंक ली जाए कुछ भी कहना ठीक नहीं है। अमूमन अधिकतर कमेंटेटर्स इन लाइनों का प्रयोग करते हैं, यही कारण है कि इन लाइनों का क्यों प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल ठीक फरमाते हुए आप, कब क्या हो जाए किसको खबर, आप खेल लें छूट कर। बुलसेट पर पहुंच चुके हैं अश्विन, इस खिलाड़ी ने इस पूरे खेल का नक्शा ही बदल कर रख दिया और कहूं कि पूरे टूर्नामेंट की जो इक्वेशंस हैं उनको बदल कर रख दिया है। मुझे ऐसा लग रहा है राशिद, शायद कर्नाटका बुलडोजर्स की टीम का जो टिकट है वो RAC में ना चला जाए और अगर इस मैच को हारे तो वो टिकट कैंसिल भी हो सकता है। आपने तो बड़ा मजाक कर दिया, एक को फ्लाइट दिलाते हुए और दूसरे को ट्रेन का टिकट भी नहीं। देखिए जो अच्छा खेलेगा, बैक टू द बॉलर, परिणाम उसी को मिलेगा। यहां तो मजाक और मजाक मजाक ही चलता हुआ, बैक टू द बॉलर ड्राइव किया था अपने फॉलो थ्रू में, गेंद को फील्ड किया ध्रुव शर्मा ने, थ्रो करते हुए विकेट कीपर की तरफ। और मेरा जो क्वेश्चन था शुरुआत में कि क्या इन कप्तान साहब को विकेट कीपिंग कम से कम छोड़ देनी चाहिए, वो शायद यहाँ पर उसकी कंफर्मेशन करते हुए। इसे कहते हैं दबाव, इसे कहते हैं प्रेशर, और प्रेशर में आप अगर छोटी सी भी गलती करेंगे तो वो काफी भारी साबित हो सकती है।
सीधा चार रनों के लिए बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर जा सकती है। एकदम से स्थिति यहां पर पलट गई है, जहां एक तरफ हार के खतरे, हार के बादल मंडरा रहे थे तेलुगु वॉरियर्स के ऊपर, और अब यहां पर मुश्किलों में पड़ सकती है कर्नाटका बुलडोजर्स की टीम। बिल्कुल, कर्नाटका हैज टू विन टू क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल्स। दिस इज अ बिग टास्क फॉर देम नाउ। लास्ट बॉल कम्स इन, गेटिंग फ्यू रन्स, कपल ऑफ और ओवर की समाप्ति 190 पर चार 18 के बाद। आउटस्टैंडिंग बैटिंग राशिद, अगर अश्विन इस मैच को आज जिताने में सफल रहेंगे तो उन्होंने आज जो जो कुछ किया है वो उसको कभी भुला नहीं पाएंगे। फिलहाल इस बीच में एक रन मिलेगा, 12 लेजिटिमेट डिलीवरीज शेष और 20 रनों की आवश्यकता। और कहते हैं कि क्रिकेट जो है वो पहलवानों का खेल नहीं है। और ये देखिए डगआउट कर्नाटका का, तनाव सभी के चेहरों पर, टीम के मेंटर भी बैठे हुए हैं और टीम के शुभचिंतक भी, और कैप्टन के चेहरे पर क्या है वो आप खुद देख सकते हैं। बहुत बढ़िया शॉट, सीधे बैट से खेला हुआ, बहुत बढ़िया क्षेत्ररक्षण, अंतिम समय में बॉल को बाउंड्री लाइन के बाहर जाने से रोका, लेकिन कैच भी ड्रॉप किया वहां पर। अगर गेंद आपके हाथ में थी तो फिर कैच को पूरा करना चाहिए था, और निराशा साफ देखी जा सकती है। अगर इस तरह का क्षेत्ररक्षण होगा तो फिर आप तो मुकाबले नहीं जीत सकते। एक आसान कैच होना चाहिए था इसको, लेकिन उंगलियों पर ना लेकर गेंद को पाम पर लिया और छिटकती हुई गेंद, ये बेसिक्स के खिलाफ है। काफी लंबा गैप मौजूद है, उस गैप में बॉल को प्लेस किया, बिल्कुल सही रणनीति, क्योंकि यहां पर डॉट बॉल खेलने की बजाय अगर आप एक रन भी लेते हैं कहीं ना कहीं आप स्कोर बोर्ड को बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं। 193 चार विकेट के नुकसान पर टोटल पैसा वसूल मुकाबला, कंप्लीट एंटरटेनमेंट। ध्रुव शर्मा सोच रहे होंगे इतनी बेहतरीन पारी खेली और उसको यहां पर इस तरह से लुटता हुआ देखें। इनसाइड आउट, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर, चार रन के लिए। 8 गेंदों पर 13 की अब जरूरत, और मुझे लगता नहीं कोई ऐसा कारण हो कि अब यहां से मुकाबला ना जीत पाए तेलुगु वॉरियर्स। अश्विन ने 26 गेंदों के ऊपर 70 रनों की एक बेजोड़ पारी खेली है और अपनी टीम की हार को जीत में तब्दील कर दिया है। लगातार जोरदार स्ट्रोक्स, वहीं दूसरी तरफ कर्नाटका बुलडोजर्स के कप्तान सुदीप बेहद चिंतित, बेहद निराश, क्योंकि कोई भी गेंदबाज इस समय कुछ खास प्रभाव नहीं डाल पा रहा है इन दोनों ही बल्लेबाजों के ऊपर। एक रन लिया, समझदारी भरा कदम अश्विन द्वारा, जा पहुंचे 71 के व्यक्तिगत योग पर, 27 गेंदों का सामना किया है। आप देख सकते हैं 4 चौके और 6 छक्के शामिल 71 रनों में एक बेजोड़ पारी। लुक एट द स्ट्राइक रेट 263, ओ माय गॉड, ये क्रिकेट खेल रहे हैं या फिर हवाई जहाज चला रहे हैं? फिलहाल तो आज हवाई जहाज की जरूरत थी, क्योंकि 210 रनों का लक्ष्य 20 ओवर्स में इतना आसान नहीं लगता। सिंगल मिलेगा यहां पर और इसी के साथ ओवर की समाप्ति होती हुई, 4 विकेट के नुकसान पर 199। सांसें रोकने वाला आज का ये मैच, तेलुगु वॉरियर्स को अब आवश्यकता रहेगी बची हुई
छह बॉलों के ऊपर 11 रनों की। टीम के कप्तान अखिल स्वयं आए हैं और प्रोत्साहित करके गए हैं, दिशा निर्देश देके गए होंगे कि छह गेंदों के ऊपर 11 रन बनाना इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कर्नाटका बुलडोजर्स को इस मैच को हर हालत में जीतना होगा। केरला स्ट्राइकर्स के खिलाड़ी हमारे इस मैच को देख रहे होंगे, वो भी प्रार्थना कर रहे होंगे कि काश तेलुगु वॉरियर्स इस मैच को जीत जाए। काफी निराश हताश डगआउट क्षेत्र कर्नाटका बुलडोजर्स का। और अब मुकाबला अपने अंतिम पड़ाव पर, और दर्शक दीर्घाएं इस वक्त देखने लायक हैं। एक अलग तरह का चलन प्रचलित हो चुका है हिंदुस्तान के अंदर। आखिरी ओवर की शुरुआत, पहली गेंद कार्तिक लेकर चलते हुए, अच्छी गेंद यहां पर बचाते हुए, पहली गेंद पर कोई रन नहीं, पांच गेंद पर 11 की दरकार। चिंतित कप्तान, अगर अंत भला हुआ तो सब भला हुआ, और अगर हार कर पहुंचे तो जो डगआउट है बहुत इनकी आज खबर लेने वाला है। अगर दबाव को कम करना है तो आपको सलाह, लंबी लंबी सांसें लें और इस मैच का आनंद उठाएं। अब दूर से ही विकेट कीपिंग का जिम्मा संभालते हुए कार्तिक, मुख्य गेंदबाज और स्ट्राइक पर राशिद। कुल मिलाकर के सही किया सुदीप ने, क्योंकि अगर ऊपर आते तो कहीं ना कहीं 22 रन्स का मौका रहता। बॉल को पुल किया है, काफी देर तक बॉल हवा में, केवल एक रन। अब यहां से विजय रथ की जो डोर है वो अश्विन के हाथों में आ गई। 200 पूरे होते हुए ये तो अपने आप में एक अलग तरह का कीर्तिमान। पहले एक टीम ने 209 बनाए और उसके बाद 200 की रन संख्या को टच करना, ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि, हार और जीत से परे। फिलहाल कर्नाटका भरसक कोशिश, भरसक प्रयास कि कैसे भी इस मुकाबले में जीत दर्ज करें। अश्विन इस बार गेंद को धकेलने में कामयाब होते हुए लॉन्ग ऑन की तरफ सिंगल हासिल किया, डबल के लिए पलट रहे हैं और पूरा करते हुए डायरेक्ट हिट, लेकिन देर से पहुंच चुके थे। टीम के कप्तान अखिल और साथ में उनके पिता वेंकटेश, देखिए किस तरीके से नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर सीधा थ्रो लगा था, अपरूट हो गए थे स्टंप्स। फिलहाल अश्विन 73 के व्यक्तिगत योग पर 28 गेंदों का सामना किया है। बढ़िया गेंदबाजी, चेंज ऑफ पेस, अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी अश्विन ने, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क स्थापित नहीं कर पाए। तो अब जीत के काफी करीब कर्नाटका नजर आता हुआ। दो गेंदों पर 8 रन चाहिए हैं, यानी कि हर एक गेंद पर एक चौका लगाना पड़ेगा। काम मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। और वेंकटेश काफी हद तक आश्वस्त, क्योंकि अगले राउंड में तो उनकी टीम पहुंच चुकी है, अब सिर्फ जीत और हार का फैसला होना बाकी है। और ये नतीजा अगली दो गेंदों पर, लॉन्ग ऑन पर सिंगल मिलेगा, डबल के लिए पलटते हुए और इस बार तो रन आउट करने में कामयाब होते हुए सुदीप। समझदारी का परिचय दिया, क्योंकि अश्विन थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे, उसी को ध्यान में रखते हुए थ्रो स्ट्राइकिंग एंड पर फेंका गया। सुदीप देखिए किस तरीके से इस बार उन्हें सफलता मिली, बॉल को उन्होंने पकड़ लिया और सीधा स्टंप्स पर, यानी कि यहां से अश्विन को पवेलियन की राह पकड़नी होगी। तीसरे अंपायर से मदद मांगी है अनीस आलम। तो अब आखिरी गेंद पर क्या परिणाम आएगा इसका सबको इंतजार है। पूरा का पूरा राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम इस वक्त अपने पैरों पर खड़ा हुआ,
सब के सब दर्शक इंतजार में, और ये चलते हुए कार्तिक आखिरी गेंद इस मुकाबले की, और यहां पर एक गलती करते हुए विकेटकीपर, चार रन जी नहीं दो रन यहां पर मिलते हुए, लेकिन जीत हासिल होती हुई कर्नाटका को, और इस तरह से कर्नाटका ने भी क्वालिफाई किया, और इस तरह से तेलुगु वॉरियर्स ने भी क्वालिफाई किया। तो एक दिलचस्प मुकाबला 204 रन ही बना सकी तेलुगु वॉरियर्स 5 विकेट के नुकसान पर, लेकिन वो आश्वस्त हैं, दोनों ही टीमें पहुंच चुकी हैं सेमीफाइनल में, ना तुम हारे ना हम जीते, जीत हुई क्रिकेट की और जीत हुई खेल की। बहुत ही जोरदार संघर्ष, और इस संघर्ष का आपने भी आनंद उठाया हमारे इस प्रसारण के माध्यम से। वेंकटेश और दिलीप वेंगसरकर मैदान में मौजूद हैं, और यहां पर बहुत बड़ी राहत कर्नाटका बुलडोजर्स के लिए। हालांकि एक समय ऐसा लग रहा था कि शायद अश्विन इस मैच को आसानी के साथ निकाल ले जाएंगे, लेकिन कार्तिक ने बहुत ही शानदार गेंदबाजी की। पारी का अंतिम ओवर जिसमें काफी दबाव था उनके ऊपर, उस दबाव को दरकिनार करते हुए एक पेशेवर अंदाज को पेश किया कार्तिक ने, जिसका परिणाम ये रहा कि एक समय कर्नाटका बुलडोजर्स की टीम जो कि बेहद दबाव में आ गई थी, उस दबाव से निकलते हुए 5 रनों से जीत दर्ज की और सेमीफाइनल में अपना स्थान पक्का कर लिया। और बड़ा सवाल यहां पर ये मनोज कि आज मैन ऑफ द मैच का खिताब किसको मिलेगा? कई सारे दावेदार हैं, दो दावेदार कर्नाटका की तरफ से और एक दावेदार तेलुगु वॉरियर्स की तरफ से अश्विन। तो दिलचस्प रहेगा देखना कि इस पुरस्कार पर कौन अपना हक जमाता है। जैसे ही डेड बॉल घोषित की गई, वैसे ही कार्तिक ने स्टंप्स निकाल लिए और एक विजय मुद्रा, बहुत ही उत्साह के क्षण कर्नाटका बुलडोजर्स के लिए, एक बेहद महत्वपूर्ण विजय हासिल की है उन्होंने तेलुगु वॉरियर्स के ऊपर। तेलुगु वॉरियर्स जिसके सामने 210 रनों का लक्ष्य निर्धारित किया था 20 ओवर्स में, और एक समय ऐसा लग रहा था कि शायद तेलुगु वॉरियर्स इस मैच को आसानी के साथ हार जाएगी, लेकिन अश्विन की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम। अश्विन ने बेहद दबाव की स्थिति होने के बावजूद बहुत ही जोरदार बल्लेबाजी की और अपनी टीम को एक मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया। एक समय तो ऐसा लग रहा था कि शायद तेलुगु वॉरियर्स की टीम इस मैच को आसानी के साथ जीत जाएगी, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बल्लेबाजी की तेलुगु वॉरियर्स ने। सचिन जोशी जिन्होंने 16 रन बनाए, बाबू ने 49 रनों की पारी खेली, तेज ने 16 गेंदों के ऊपर 26 रन बनाए, अखिल ने 15 गेंदों के ऊपर 17 रनों का योगदान दिया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पारी रही अश्विन की 30 गेंदों के ऊपर 74 रन, और इन 74 रनों की बदौलत तेलुगु वॉरियर्स ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। कार्तिक जिन्होंने 3 ओवर में 26 रन दिए, सफलता हाथ उनके नहीं लगी, लेकिन उन्होंने अपनी टीम की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। प्रदीप ने 4 ओवर में 35 रन, राव ने 2 ओवर में 16 रन, ध्रुव शर्मा ने 3 ओवर में 45 रन खर्च किए, और ये है मैच समरी। कर्नाटका बुलडोजर्स 209 रन 2 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में, प्रदीप 82, शर्मा 74, राजीव ने 19 रन बनाए, अश्विन और जोशी के खाते में एक एक विकेट आई। तेलुगु वॉरियर्स ने बहुत ही जोरदार जवाब दिया, अश्विन ने 74 रन बनाए, बाबू ने 49 रनों की पारी खेली, तेज ने 26 रन बनाए 16 गेंदों के ऊपर, कर्नाटका बुलडोजर्स ने 5 रनों से जीत हासिल की तेलुगु वॉरियर्स के विरुद्ध। बहुत ही जोरदार संघर्ष देखने को मिला आज के इस मैच में। निश्चित रूप से उम्मीद करते हैं कि हमारे इस प्रसारण के माध्यम से आपने भी देखा कि खेल के मैदान में कितना उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और आते हैं शीघ्र आपके पास।